Assalamu alaikum everyone. So welcome back to the channel, the Habibi Vlogs. तो फाइनली यार हम गाजियाबाद जिला गाजियाबाद की प्लेलिस्ट का पहला व्लॉग आज शूट कर रहे हैं और आज हम आपको दिखाने वाले हैं डासने के अंदर की काफ़ी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे रेलवे ट्रैक कि आप रेल ट्रेन पकड़ के आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो अभी तो हम चलते हैं रेलवे ट्रैक की तरफ। सो अभी हम कॉलोनी में और ये पीछे आप देख सकते थे, ये मेरा गरीब खाना था, ठीक है, और उसका गरीब खाना आगे है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, बोलो मस्जिद दिखाते हैं। ये हमारी कॉलोनी की जामा मस्जिद है और मुझे मेरी कॉलोनी बहुत पसंद है। आई लव डासना यार, यू नो। चलो सो ये बस मस्जिद है। तो भाई ये तो आ गई है मस्जिद, ये देखो पीछे क्या खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है यार अपनी। ये देखो ऊपर तक तीन माले की मस्जिद बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब चलते हैं अपन ट्रैक की तरफ। ओके फाइनली यार हम रेलवे ट्रैक पर आ चुके हैं और आप पीछे देख सकते हो भाई रेलवे ट्रैक, ये रहा। ये कंप्लीट स्टेशन है और यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन आती हैं और रुकती भी हैं। अभी तो यार हम आ चुके हैं टिकट घर जहाँ से टिकट हम परचेज करते हैं और दिल्ली जाने के लिए। बेसिकली हम इधर इस वाले रूट से इधर की तरफ जाते हैं तो भाई हम दिल्ली जाते हैं और 30 रुपये का टिकट होता है दिल्ली का और भाई 1 से 1.5 घंटा लगता है, हम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं हमें दिल्ली जाने में। तो यार ये बहुत अच्छी जगह है डासना, यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं। अब आप सामने देख सकते हो कि आपको रेलवे गेट दिख रहा होगा कि वो बंद है और ट्रेन आने वाली है यहाँ पर, और भाई इधर की तरफ भी पब्लिक खड़ी है और इधर की तरफ भी पब्लिक खड़ी है। तो भाई एक बात और, भाई अपना इतना यूनिक ड्रेस है कि भाई लोग बाग आते जाते सब देख रहे हैं अपने को। तो अभी तो हम आपको ट्रेन दिखाने वाले नहीं है, बेसिकली आप देख सकते हो कि भाई रेलवे गेट इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। तो बेसिकली हम इधर की तरफ से मूव करने वाले हैं। सो पब्लिक में से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं यार बहुत सारी गाड़ी वगैरह यहाँ पर खड़ी हुई है, काफ़ी भीड़ लग जाती है और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, आगे दिखाऊंगा थोड़ी सी आगे, पीछे की साइड वहाँ पर पेड़ की छाँव में बहुत सारी बाइक्स खड़ी हैं क्योंकि वो लोग धूप में खड़ा होना नहीं चाहते। तो यार फाइनली भाई ये सभी जितने भी खड़े हैं यहाँ पर, भाई ये कर रहे हैं ट्रेन का वेट जिससे कि रेलवे गेट खुले और ये अपने अपने मकाम पर पहुँच जाएँ। तो भाई अभी तो यार मेरा फ्रेंड मिला है, एक स्कूल फ्रेंड। हाँ भाई बढ़िया एकदम। भाई अभी ब्लॉग शूट कर रहे हैं अपन। तो भाई देख सकते हो यार कितना अच्छा क्राउड है पीछे की तरफ, बहुत धमाकेदार है और पब्लिक आती जा रही है और अभी रेल नहीं आई है। सो अभी हम आपको लेकर चलते हैं ऑटो स्टैंड की तरफ। तो भाई अभी तो आए हम जूस स्टॉल पर क्योंकि भाई बहुत प्यास लगी हुई थी क्योंकि गर्मी बहुत अच्छी खासी हो रही है। तो भाई ये देखो अभी हम कौन सा जूस पीने वाले हैं, बेल पत्थर का। हाँ भाई बेल पत्थर का बहुत मजबूत जूस है वो। असल में ये जूस काफ़ी अच्छा होता है, ये ठंडा होता है काफ़ी, गर्मी में काफ़ी बेहतर होता है आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी और लिवर सिस्टम के लिए भी। तो ये वाला जूस मैं अक्सर पीता हूँ मॉर्निंग में, बासी में आप भी पी सकते हैं। तो भाई अभी तो यार हम जूस पीते हैं देन उसके बाद आपको लेकर चलते हैं ऑटो स्टैंड पर। तो भाई साहब अपन ने तो ले लिया है अब बेल पत्थर शेक या जूस, क्या बोले मैं, वो इसको ट्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत ठंडा हो रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया यार, अच्छा बनाया, थैंक यू सो मच। तो भाई मेरे पीछे आप देख सकते हो यह कार वॉशिंग स्टेशन स्टेशन है। तो भाई यहाँ पे कार वॉश होती हैं और ये सब चीज़ मतलब हमारी कॉलोनी में है। तो रफ़ीकाबाद डासने में रहने का यही फ़ायदा है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ आपको नज़दीक ही मिल जाती है। सो यार अभी तो हम ऑटो स्टैंड के काफ़ी नज़दीक हैं, बाकी आप पीछे दुकान देख सकते हो, यहाँ से आप लकड़ी का काफ़ी सामान परचेज कर सकते हो बहुत अच्छे रेटों में। और मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ डासने की। भाई अभी तो हम अड्डे पर आ चुके हैं डासना का ऑटो स्टैंड और यहाँ यार आप देख सकते हो ये ऑटो स्टैंड है। आप यहाँ इधर से जब आप ऑटो पकड़ते हो तो आप सीधा मसूरी मतलब नैनीता वो उत्तराखंड वाला मसूरी नहीं, यहाँ पे एक लोकल है एरिया मसूरी और नाहल लकुआ हापुड़ आप इजीली जा सकते हो। तो भाई यहाँ तो अभी सुबह हो रही है तो इतना अच्छा क्राउड नहीं है। और ये है NH9, ये तो भाई NH9 है और भाई पब्लिक बढ़िया रिएक्शन है एकदम, मज़ा आ रहा है। तो अभी हम आपको दूसरी साइड लेकर चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं वहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं मेन अड्डे पर। गाइस आप देख सकते हो कि पीछे कितने ऑटो खड़े हैं, यहाँ से आप गाज़ियाबाद नोएडा दिल्ली के लिए ऑटो पकड़ सकते हो और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है बेहिसाब। तो भाई हमें को ब्लॉग कंप्लीट करना है तो क्या ही गर्मी देखनी,
तो भाई देख सकते हो अड्डे का माहौल बहुत बढ़िया है, मतलब शाम में तो और भी ज़्यादा रौनक होती है। और अभी 11 कितने बजे हैं, तो भाई ये तो थक गया है और मेरे को ब्लॉग कंप्लीट करना है, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये जो रोड है ये आपको नोएडा लेकर चला जाएगा, दिल्ली लेकर चला जाएगा, गुड़गांव भी लेकर चला जाएगा, और मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से नज़दीक ही है। तो एक बार और देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो दैट मैं तो अभी यार डासना स्टैंड पर हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे ट्रियाँ बहुत खड़ी हैं, आप अंदर डासने जाने के लिए ट्री का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही कम चार्ज है। और हमारे चेयरमैन साहब ने लेडीज़ के लिए ट्री फ्री भी करवाई हुई है, वो देखो आप, एक है ये ट्री। अच्छा, यस, ये देखो भाई साहब, देखो अंकल जी बोल रहे हैं कि धुआं उठा रखा है, तो इंशाल्लाह हमारी यही तैयारी है। ये देखो आमीन आमीन अंकल, थैंक यू अंकल जी। तो भाई अंकल जी ने बहुत अच्छी बातें बोली, और यहाँ देखो भाई केले केले, और भाई आप आम भी खरीद सकते हो यहाँ, मतलब फल फ्रूट की भी बहुत अच्छी दुकानें हैं। तो मैं अभी आपको दुकान दिखाने वाला हूँ एक, यहाँ कपड़े की बहुत अच्छी दुकान है, यहाँ जूते वगैरह भी आपको बहुत अच्छे रेटों में मिल जाएंगे। तो भाई ये देखो यार दुकान, ये बहुत बड़ी दुकान है, और यहाँ पे आपको स्पार्क्स मिल जाएंगे, कैंपस मिल जाएंगे, कॉलोबस मिल जाएंगे, और एडिडास मिल जाएंगे, सारी ब्रांड्स लगभग मिल जाएंगी। और ये गरीब लोग हमें कुछ बुला रहे हैं, तो हम उनके पास जाते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो भाई यहाँ से आप लोग चारपाई वगैरह खरीद सकते हो बहुत अच्छे रेट में, और यहाँ पर कूलर वगैरह की भी दुकान है, और काफ़ी सारी चीज़ों की दुकान है, गाइस आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइबर कैफ़े भी हैं, और भाई ये देखो पीछे दुकान ही दुकान है, और कूलर वगैरह भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रेटों पर मिल जाएंगे। और यार अभी तो हम मार्केट के अंदर हैं, मॉर्निंग में है तो मतलब इतना अच्छा व्यू नहीं है, लेकिन हम आपको रात का भी व्यू दिखाएंगे कि डासने के अंदर इनिशियल में क्या होता है और कैसा दिखता है डासना। तो भाई देख सकते हो यार दुकान ही दुकान है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ अवेलेबल है डासने के अंदर। और मैं कहता हूँ इसे डासना, ब्यूटी ऑफ डासना। सो गाइस अब हैंड ओवर कर लिया कैमरा मैंने, बिकॉज इसका हाथ जो है दुख गया था, ये बेचारा जिम विम करता है, यही हालत है। मैं जिम वगैरह नहीं जा रहा हूँ यार, अभी मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। द थिंग इज़ दैट पीछे आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का हाई स्कूल, अलीरा पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत अच्छा है यार। ये है आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है इसमें माशाल्लाह। और एक जगह ये है गाइस, यहाँ पे आप लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं पार्किंग के लिए, ये जगह जिनके पास पार्किंग स्पेस नहीं है अपने घरों में और उनके पास कार्स हैं, वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और रेंट देते हैं, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज के पास, ये है आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज, और मैं इसमें 3 साल पढ़ा हूँ, 6th, 7th, 8th, ये गवर्नमेंट स्कूल है और काफ़ी नाम है इस स्कूल का। और गाइस देखो मैं बताता हूँ मैं आपको, इसने बहुत दीवारें कूदी हैं, ये पढ़ता पढ़ता कुछ नहीं था, बस पढ़ता था, बैग उठाया और दीवार कूद के भाग गया, और मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ से दीवारें कूदता था ये, ठीक है। तो अभी आगे खोलेगा मैं, हाँ। तो गाइस इसने बहुत दीवारें कूदी हैं, लेकिन अब ये लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है फाइनली। भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ यार इस टाइम। और सो गाइस यही है वो दीवार जहाँ से ये कूदा था, ठीक है। मैं पहली बार यहीं से ही मैं दीवार कूदा था, मे बी जब मैं 7th क्लास, देखो अपने करतूत खुद ही बता रहा, देखो कितने खुश हो करके। गलत बात नहीं है यार ये, बहुत गलत बात है, ऐसा कौन करता है यार क्लास, मतलब अगर मन नहीं लग रहा इंटरवल हो गया तो आप क्लास मतलब दीवार कूद के भाग जाओगे स्कूल से, मतलब ऐसा कोई करता है? मोटिवेट करने के लिए नहीं है, मतलब मेरी लाइफ का ही एक पार्ट था, सो दैट मैंने आपको बता दिया। भैया पीछे बाइक के रोक रोक के बंदे देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं आपको, नहीं ईद नहीं है, हमारे चैनल का नाम है द हबीबी व्लॉग्स, और हमारा स्टाइल है द हबीबी, हम इसी गेटअप में रहते हैं, आई लव इट। और ये हमारी कॉलोनी के भाई लोग हैं, और ये भाई लोग भी, और हबीबी अल्लाह कसम बता रहा हूँ, और कोई देख भाई जिंदे वाले आ रही है भाई, हाँ नहीं 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 यार। और देखो गाइस ये दीवार यहाँ, इसने यहाँ से कूदी है इस वाले गेट से। सो अब आ चुके हैं हम स्कूल के पीछे वाले गेट पे, और पीछे है मखदूम साहब, आप देख सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा इसे अंदर की साइड से। तो भाई मतलब दीवार कूदी है तो ये मत समझ लेना कि हमें भी दीवार कूदनी है, मैं एक इंजीनियर भी हूँ, तो मैंने अपना आप तो बहुत डिजिटलाइज और पॉलिश किया है, तो आप सब दीवार वगैरह बंक वगैरह बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो जिनको मिल गए थे उसके फ्रेंड्स, तो उनसे कुछ बातें कर रहा है, और अभी हम चलते हैं अंदर की साइड मखदूम साहब पे, और यहाँ पे बैठक भी है काफ़ी अच्छी, और ये बड़का पेड़ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी छांव रहती है यहाँ पर, बहुत मज़ा आता है यार। अभी तो हम आए हैं कि मखदूम साहब पर, और यहाँ पर आपको गाड़ी रेंट में
मिल सकती हैं। आप बड़ी से बड़ी गाड़ी भी यहाँ से ले सकते हो कि पीछे देख सकते हो आपकी यार ऑडी खड़ी है, जगुआर खड़ी है, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आप इजीली यहाँ से रेंट पर ले सकते हो। और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ यार आपको टाटा 407 और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पर ईजिली मिल जाती हैं। यार अब हम आपको डांसने का माहौल शाम का दिखाएंगे, अभी तो बहुत धूप हो रही है और अपन चलते हैं अभी घर। सो हे गाइस, हमने यहीं पर ही अपना सुबह में ब्लॉग छोड़ा था बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उस वक्त हमने सोचा था कि 4 बजे हम शूट करेंगे ब्लॉग, और यही है मखदूम साहब डांसने की जो काफ़ी फेमस है। एंड ये खोके हैं कुछ, जहाँ पर आपको छोटे मोटे सामान मिल जाएंगे, टी शर्ट वगैरह, इनर वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी काफ़ी चीप रेट्स में। तो भाई अभी तो हम खड़े हैं डासनी की पुलिया पर और यहाँ से डासना स्टार्ट हो जाता है। और आप देख सकते हो कि इधर भी एक छोटी मार्केट है, यहाँ से आप कपड़े खरीद सकते हो। सामने आपको दुकान दिख ही रही है, बहुत अच्छे रेट में बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं डासने के और आपको दिखाते हैं वहाँ पर कैसी कैसी शॉप है। प्रधान चलाओ गाड़ी। सो गाइस, अभी अपन दिखाने वाले हैं आपको कपड़े की दुकान, और इस वक्त ड्राइविंग मेरा भाई कर रहा, मैंने ड्राइवर बना लिया है इसको फ्री वाला। सो हम गाइस आ चुके हैं कपड़े की शॉप में और आपको यहाँ पे जूते मिल जाएंगे। ये मेरे दोस्त की शॉप है, पहले ये बता अस्सलाम वालेकुम। सो ये मेरे रेहान भाई और हमारी दोस्ती जिम में हुई थी फाइनली। और आप देख सकते हो यार जूतों का कलेक्शन भी बहुत ही प्यारा है यहाँ पे, और आपको टी शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स और लोअर सारी चीज़ें, इवन परफ्यूम भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो भाई सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है, तो भाई आप जाओ आराम से और जादू दिखाओ और नए कपड़े पहन के वापस आ जाओ। तो भाई यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन है यार कपड़ों का, आप देख सकते हो स्क्रीन पर बहुत अमेजिंग कलेक्शन है भाई, आप यहाँ बहुत अच्छे रेट में कपड़े ले सकते हो। तो अभी तो हम आपको बहुत दुकानें दिखाने वाले हैं, तो ये फर्स्ट दुकान थी हमारी और अभी हम और अंदर डांसने के और अंदर जाएंगे और अभी आपको और दुकानें विजिट कराते हैं। सो गाइज हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं यहाँ पर डांसने के अंदर, और ये एक प्लेस है जहाँ पे हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है 10th की और 11th की। यहाँ पे यार आपको अकाउंट और मैथ के प्रोफेशनल टीचर मिल जाएंगे जो जिनका बहुत अच्छा मार्केट में नाम है, और आप वहाँ से बहुत अच्छा मैथमेटिक्स ले सकते हैं। यार अभी तो हम तो अभी हम जा रहे हैं दूधिया पीपल की तरफ, बिकॉज मेरे को मैंने 2 पैंट सिलवाई थी ब्लैक कलर में, वो मेरे को उठानी है वहाँ से। उसके बाद अपन और चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं, अभी डांसना ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि डांसना काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। भाई यहाँ देखो ट्रैम्पलिंग लगा हुआ है और बच्चे यहाँ पे भाई फुल मरे। तो भाई अपने डांसने की यही एक खास बात है कि भाई यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक चीज़ यार जो खरीदना है खरीद, बाहर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं। सो ये है मार्केट जो कि छज्जा बाजार है डांसने का, एंड ये एक शॉप है जो आपको मैं दिखाना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। तो यहाँ से यार आप कपड़ा ख़रीद सकते हैं, कोट पैंट का भी, पैंट्स का भी, और शर्ट का, कुर्ते पजामे का। और ये मशहूर शॉप है यहाँ की, इसकी एक और ब्रांच सामने भी है लेडीज़ शॉप पीछे की साइड, और यहाँ पे ये जन्नत वालों की शॉप है, ये काफ़ी मशहूर है। हम लोग भी यहीं से कपड़ा लेते हैं अगर हम लोग को कुर्ते पजामे का कपड़ा लेना है, फिर पैंट्स वगैरह का लेना। यार अपन तो आ चुके हैं डांसने के बहुत ज़्यादा अंदर, और अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि बच्चों के खेलने का सामान इस दुकान पे मिलेगा। बाय द वे आप पीछे भी खरीद सकते हो, मार्केट काफ़ी है, दुकानें यहाँ पर बहुत हैं, लेकिन भाई यहाँ की ये मेन दुकान है जहाँ पे आपको खेलने का सारा सामान मिल जाता है। भाई ये भी पीछे दुकान है हमारी, यहाँ पे एवरीथिंग आपको मिल जाता है बहुत ईजिली। और यहाँ पर भाई कपड़े की दुकान तो डांसने के अंदर इतनी है बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप बार्गेनिंग कर सकते हो, अच्छे से अच्छा कपड़ा आप परचेज कर सकते हो अगर आप बार्गेनिंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो भाई अभी तो अपन आ चुके हैं किले पर, डांसने का ये एक किला है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी दुकानें हैं भाई खाने पीने के सामान की भी, यहाँ पे आपको
ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से अच्छा खाना आप यहाँ पर खा सकते हो। और भाई डासनी की रौनक भाई यही है कि यहाँ हमेशा भीड़ होती है। अभी शाम है, थोड़ी और भीड़ होने वाली है अभी। और भाई अभी आ चुके हैं हम अपने दोस्त की शॉप पर, चश्मे की शॉप पर। तो भाई चश्मे की शॉप भी हम आपको विजिट कराने वाले हैं बाय द वे। तो भाई अनस भाई की चश्मे की शॉप है और हम यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि अनस भाई ये रहे भाई काउंटर पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे चश्मे मिल जाएंगे अच्छे प्राइस में। और एज यू कैन सी गाइस, ये जो चश्मा मैंने पहना हुआ है ये भी मैंने यहीं से लिया और काफ़ी सूट करता है मेरे को भाई में। तो भाई यहाँ आपको आई टेस्ट वगैरह, आप यहाँ से आई टेस्ट वगैरह इजीली करा सकते हो। तो भाई ये अपनी शॉप है, तो हमको मतलब हमें ये भी विजिट कराना था भाई। ये देखो अंदर मशीनें वगैरह भी हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही टेस्ट नहीं होती है, मशीनों के साथ टेस्ट होते हैं यहाँ के। तो यार अभी तो हम दूधिया पीपल पर हैं और दूधिया पीपल से हम जा रहे हैं देवी मंदिर हॉस्पिटल। तो हम आपको हॉस्पिटल भी दिखाते हैं। और यहाँ भी मार्केट अवेलेबल है यार, कपड़े की, और पीछे मंदिर भी है, कपड़े वगैरह की खरी मतलब कपड़े वगैरह की यहाँ पर शॉप अवेलेबल है भाई साहब। ये है दूधिया पीपल हमारे पीछे, ये बिल्कुल दूधिया पीपल है, यही वो प्लेस है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पर। मेरे पीछे तो जा रही है भाई एक बुग्गी, और आई लव बुग्गी यार। मेरा ख्वाब है कि भाई मैं एक बार बुग्गी की राइड लूँ, तो इंशाल्लाह उसका भी मैं व्लॉग बनाकर ज़रूर डालूँगा। वो भी लेगा मैं राइड बुग्गी की। मेरे बचपन में बहुत बुग्गियाँ चलाई हैं, क्योंकि मैं 8 साल तक अपने गांव में रहता था। तो भाई अपन तो गाँव में रहा नहीं है। तो भाई मेरा तो ड्रीम है यार कि भाई मेरे को बुग्गी चलानी है। तो भाई मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी बुग्गी की राइड ले लूँ। तो भाई अभी दासने का एक बहुत फेमस मंदिर आने वाला है, तो भाई आप वीडियो में देख सकते हो पीछे की तरफ। भाई ये है दासने का देवी मंदिर। तो अभी इसका अस्पताल की तरफ है दासने का आगे। अच्छा, तो हम भाई अस्पताल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो यार यहाँ पर ही आपका पोस्ट ऑफिस है, अगर आपको कभी दासने में पोस्ट ऑफिस जाना है तो भाई देवी मंदिर में आप आ जाओ, यहाँ पर आप उससे पूछेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस बता देगा। आप स्ट्रेट जाएंगे तो इधर की साइड ही पोस्ट ऑफिस है, ये गली है आप देख सकते हैं पीछे की साइड। और पहचान ये है कि यहाँ पे एक पिलकन का पेड़ है और ये हॉस्पिटल के जस्ट सामने है। तो भाई अभी तो यार हम आ चुके हैं सीधा हॉस्पिटल देवी मंदिर का। भाई ये हॉस्पिटल है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा फेमस हॉस्पिटल है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और यहाँ पर मतलब इलाज वगैरह भी ठीक ठाक हो जाता है। तो भाई ये है भाई अपना डासने के अंदर बार बोल रहा हूँ, डासने की खूबी बस यही है कि आपको बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इवन आपको अगर बाहर का काम भी पड़ता है, लाइक नोएडा जाना है तो नोएडा हमारे घर से 18 किलोमीटर दूर है, दिल्ली जाना है तो दिल्ली थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है उससे, और आप बहुत कम टाइम में जा सकते हो क्योंकि मेट्रो वगैरह भी अवेलेबल है और आपको कन्वेंस वगैरह भी काफ़ी जल्दी यहाँ से मिल जाता है। तो यार डासना का जो हमारा ब्लॉग था यार वो तो हो गया है कम्प्लीट, और बहुत अभी ब्लॉग आने बाकी हैं। तो यार चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहना और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।